नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। हापुड़ जिले की हैंडलूम नगरी पिलखुआ पहुंचे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखुआ का निरीक्षण किया। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने अस्पताल का निरीक्षण कर अस्पताल में मरीजों के लिए पर्याप्त सुविधाओं का जायजा लिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए बताया, तीसरी लहर की तैयारी चल रही है, बच्चों के इलाज के लिए जरूरत पड़ने पर बेड तैयार किए जा रहे हैं और इसके साथ ही अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों को बचाने के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वहीं जो अस्पताल लूट मचा रहे हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए टीमें भी तैयार की जा रही हैं। तीसरी लहर की बात हो रही है, उसके लिए तैयारी चल रही है। अलग अलग जगह पर ऑक्सीजन की ठीक तरीके से आपूर्ति हो सके तो जितने CHC हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सबके अंदर ऑक्सीजन का प्लांट लग रहा है। GS मेडिकल कॉलेज के अंदर एक बड़ा प्लांट लग रहा है ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक तरह से कराई जा सके। बच्चों के लिए जो बेड्स बनने हैं 100 बेड, ठीक है, उसके लिए एक्शन लिया जा रहा है ताकि अगर बच्चे बीमार पड़ते हैं तो बच्चों की के इलाज का पूरा काम किया जा सके। और वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी ज़ोर शोर से वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है, तो खासकर ग्रामीण इलाके में, ताकि सब लोगों को का टीकाकरण सही तरीके से सही समय पर हो सके। हापुड़ से हमारे सहयोगी दर्पण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्पण, हापुड़ में जनरल वीके सिंह पहुंचे और उन्होंने अस्पताल का जायज़ा लिया, इसके अलावा कई सारी बातें कहीं जिससे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि मरीजों को हर तरह से इलाज मिले। क्या कुछ अपडेट देंगे? हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था का जायज़ा लिया और पिलखुआ में पहुंचे जनरल वीके सिंह।